विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी यूजफुल सेंटेंस फॉर लर्निंग फॉर बिगिनर्स। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड इंग्लिश, देन यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के वाक्य आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के जो हमारे वाक्य हैं, जिनकी हम वोकैबुलरी है, जिनकी हम इंग्लिश बताने वाले हैं, वो हैं किस समय आओगे, यह आप पर, हम आप पर विश्वास करते हैं, बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, वहाँ कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा मत खाओ, किसी ने आपसे पूछा, क्या आपने कुछ देखा, आपको क्या मिला, मुझसे कुछ मत पूछो, आपका दिन कैसा था, मुझे उपदेश मत दो, यह फार्म लो और भर दो, मुझे रास्ता दिखाओ, बाजार कितनी दूर है, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका मतलब क्या है, और सावधान रहिए। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ये सेंटेंस हैं, हम इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं इनकी इंग्लिश। तो फर्स्ट लिखा हुआ, किस समय आओगे। कभी कभी हम किसी को इनवाइट करते हैं अपने घर तो बोलता है यस, मैं बिल्कुल आऊँगा, तो हम आप उनसे पूछना चाहते हैं कि किस समय आओगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम विल यू कम, 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 प्लीज टेल मी, आप बता दीजिए कि मैं आप किस समय आएंगे। फिर लिखा हुआ है हम आप पर विश्वास करते हैं। या फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमको मान लीजिए कहीं घर से बाहर जाना होता है तो किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप हमारे घर में एक या दो, फॉर टाइम बीइंग यू स्टे इन अवर हाउस फॉर टू और थ्री डेज, तो बोलते हैं कि आपने मुझसे ही क्यों कहा। तो हम कह सकते हैं हम आप पर विश्वास करते हैं, वी ट्रस्ट यू। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ट्रस्ट, वी ट्रस्ट यू, हम आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने आपको चुना है। नेक्स्ट लिखा है बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम किसी छोटे बच्चे से या किसी के यहाँ मिलने जाते हैं और बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। इसको बोलेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक चॉकोलेट। चॉकोलेट की स्पेलिंग CHOCOLATE चॉकलेट होती है। इस प्रकार से बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। वहाँ कोई नहीं था, कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब हम उनके यहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, जब मैंने अंदर झांक के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जब हम प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए, हम वहाँ पहुँच गए तब वहाँ पे कोई नहीं था। यदि बोलना कि वहाँ पर कोई नहीं था तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो वन या नो वन वॉज देयर, दोनों में से देयर वॉज नो वन। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा मत खाओ। तो डियर फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है, नुकसान होता है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच। वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन अधिकता खाने के उसमें सेंस में इसको ज़्यादा यूज करते हैं। किसी ने आपसे पूछा, कई बार होता ये है कि हम क्वेश्चन किसी और से पूछते हैं और उसका आंसर बीच में ही कोई और दे देता है। जब कोई बीच में ऐसे आंसर दे देता है तो हम पूछते हैं किसी ने आपसे पूछा, Did anyone ask you? क्या किसी ने आपसे पूछा, क्या आपने कुछ देखा है।
कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी दुर्घटना होती है और जब कोई पूछता है वहां पे आता है इंक्वायरी के लिए, तो उनसे पूछते हैं क्या आपने कुछ देखा है, तो कुछ क्या आपने कुछ देखा है, तो इसको बोलते हैं हैव यू सीन एनीथिंग, क्या आपने कुछ देखा है। फिर लिखा है आपको क्या मिला, आपने उस व्यक्ति की मदद की तो आपको क्या मिला, आपने उस व्यक्ति को परेशान किया तो आपको क्या मिला, ऐसा करके आपको क्या मिला। इस प्रकार के सेंटेंस हम कई बार बोलते हैं, तो आपको क्या मिला इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू गेट, आपको क्या मिला। मुझसे कुछ मत पूछो, कई बार लोग बोलते हैं कि आप थे वहां पे, आप उसके बारे में बताइए, और आप नहीं बताना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं मुझसे कुछ मत पूछो, इसको बोलेंगे डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत पूछो। कई बार जब आप ऑफिस से शाम को घर लौटते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली आस्क यू, आपके परिवार के सदस्य अधिकांशतः पूछते हैं कि आपका दिन कैसा था। या मान लीजिए आपने फर्स्ट डे कॉलेज में अटेंड किया और जब आने लगे तो आपके जो प्रिंसिपल थे या कोई भी जो आपके वेल विशर थे, उन्होंने पूछा कि आपका दिन कैसा था कॉलेज में आज। तो यदि बोलना है कि आपका दिन कैसा था, तो हाउ वॉज योर डे टूडे, How was your day? आपका दिन कैसा था, मुझे उपदेश दो। स्वयं आप यदि उस काम को नहीं कर रहे हैं और दूसरे को करने की सलाह देते हैं, तो अधिकांशतः लोग कहते हैं कि पहले आप करो फिर हमको उपदेश दो, और बिना आप किए हुए मुझे उपदेश मत दो, मुझे उपदेश मत दो, इसको बोलेंगे डोंट प्रीच मी, मुझे उपदेश मत दो। यह फॉर्म लो और भर दो। जब आप किसी बैंक में जाते हैं और बोलते हैं मुझे अकाउंट खुलवाना है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो क्लर्क रहते हैं या जो भी वहाँ पे पर्सन अटेंडेंट पर्सन होते हैं बोलते हैं कि यह फॉर्म लो और भर दो, टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट, इस फॉर्म को लो और भर दो। मुझे रास्ता दिखाओ, कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि आगे हमको क्या करना चाहिए, कौन सा हम चीज चुने कि अच्छा होगा, तो आप अक्सर अपने बड़ों से, अपने पायनियर से, एल्डर्स से बोलते हैं मुझे रास्ता दिखाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ। बाजार कितनी दूर है, कई बार आप किसी के यहाँ बैठे होते हैं, बोलते हैं आपका घर यहाँ पे है, यहाँ से बाजार कितनी दूर है, तो हाउ फार इज मार्केट। यदि यही होता कि आपके घर से, फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज मार्केट। नेक्स्ट लिखा है मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, कई बार आपने फोन में सुना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार का शब्द है कि मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, तो I am not listening properly, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। आपका मतलब क्या है, कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सेंटेंस और वर्ड्स के द्वारा, तो लोग बोल देते हैं आपका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सावधान रहिए। कई बार होता है कि हम कई चीजों से विक्टिम्स बन जाते हैं, तो इसके पहले ही लोग बोलते हैं कि सावधान रहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी केयरफुल।
तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको एक बार शुरू से देखते हैं। किस समय आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम। हम आप पर विश्वास करते हैं, वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू। बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट। वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन। बहुत ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच। किसी ने आपसे पूछा, डिड एनी वन आस्क यू, डिड एनी वन आस्क यू। क्या आपने कुछ देखा है, हैव यू सीन एनीथिंग, हैव यू सीन एनीथिंग। आपको क्या मिला, व्हाट डिड यू गेट, व्हाट डिड यू गेट। मुझसे कुछ मत पूछो, डोंट आस्क मी एनीथिंग, डोंट आस्क मी एनीथिंग। आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। मुझे उपदेश मत दो, डोंट प्रीच मी, डोंट प्रीच मी। यह फॉर्म लो और भर दो, टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट, टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट। मुझे रास्ता दिखाओ, शो मी वे, शो मी वे। बाजार कितनी दूर है, हाउ फार इज मार्केट, हाउ फार इज मार्केट। मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, आई एम नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, आई एम नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। सावधान रहिए, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को आप बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए। तो यदि आप हिंदी में भी कुछ बोलना चाहें तो आपके मन से यही वर्ड्स इंग्लिश निकलेंगे। तो यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।